गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम गीता कल्याण फ्रॉम हार्वर्ड कॉन्वेंट स्कूल बाकापुराना, क्लास फर्स्ट, सब्जेक्ट इंग्लिश। स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस योर लेसन नंबर 12 फ्रॉम योर इंग्लिश ग्रामर बुक। सो ऑल ऑफ यू ओपन योर इंग्लिश ग्रामर बुक, लेसन नंबर 12, पेज नंबर 30। सब बच्चे अपना इंग्लिश ग्रामर का पेज नंबर 30 ओपन करेंगे और मेरे साथ लेसन नंबर 12 को सॉल्व करेंगे। यस, देयर आर द डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। डिस्क्राइबिंग वर्ड हमने लास्ट चैप्टर में भी किया था, अब इसकी एक्सरसाइज नेक्स्ट हम करेंगे। द वाटर इज कोल्ड, कोल्ड इज द डिस्क्राइबिंग वर्ड, वाटर इज द नेमिंग वर्ड। जो वाटर है वो कोल्ड, ठंडा है, सो इट्स डिस्क्राइबिंग वर्ड इज कोल्ड। मदर ड्रिंक्स हॉट टी, अब टी क्या है, इट्स हॉट, सो हॉट इज द डिस्क्राइबिंग वर्ड एंड टी इज द नेमिंग वर्ड्स। सोनू ड्रॉज अ कलरफुल रैम्बो, डिस्क्राइबिंग वर्ड इज कलरफुल एंड नेमिंग वर्ड इज रैम्बो। रीना लाइक्स फ्रेश फ्रूट्स, फ्रेश इज अ डिस्क्राइबिंग, फ्रूट्स कैसे हैं, फ्रेश हैं, सो फ्रेश इज अ डिस्क्राइबिंग वर्ड एंड फ्रूट्स इज द नेमिंग वर्ड। रीटा हैज न्यू ड्रेस, न्यू इज अ डिस्क्राइबिंग वर्ड एंड ड्रेस इज द नेमिंग वर्ड। कम टू द पार्ट नंबर सी, लुक एट द पिक्चर्स एंड फिल द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। ये बॉक्स में जो वर्ड नहीं है इसमें से करेक्ट चूज करके अब हम ये ब्लैंक्स को कंप्लीट करेंगे। साइना इज अ शॉर्ट गर्ल, राघव इज अ टॉल, राघव इज अ टॉल। ही इज हैप्पी बॉय, ही इज अ हैप्पी बॉय। आई सॉ एन एंग्री मैन, योर ब्लैंक इट्स अ वर्ड इज एंग्री, एंग्री मैन। नाउ कम टू द लेसन नंबर 13। इन द 13 अगेन लेट्स राइट द डिस्क्राइबिंग वर्ड। दो ऑप्शन दिए गए हैं, यू हैव टू चूज द वन एंड फिल इन द ब्लैंक्स। हाउ विल यू डिस्क्राइब द साइज ऑफ दीज फ्लावर्स, इन फ्लावर के साइज को कैसे आप डिस्क्राइब करेंगे। अ डैश फ्लावर, इट्स बिग, सो राइट हियर बिग, इट्स बिग फ्लावर। अ डैश फ्लावर, इट्स स्मॉल, स्मॉल फ्लावर। राइट हु इज यंग एंड हु इज ओल्ड, दोनों में से जो यंग है उसके नीचे यंग, जो ओल्ड है उसके नीचे ओल्ड। अ डैश गर्ल, यंग गर्ल। एंड डैश वूमेन, ओल्ड वूमेन। कम टू द नंबर 3, कैन यू गेस द मूड ऑफ चिल्ड्रन इन द पिक्चर। इस पिक्चर में जो चिल्ड्रन का मूड है क्या वो आप गेस कर सकते हैं। अ डैश चाइल्ड, ही इज सैड, अ सैड चाइल्ड। अ डैश चाइल्ड, ही इज हैप्पी, हैप्पी चाइल्ड। कम टू द नेक्स्ट, काउंट एंड राइट द नंबर्स ऑफ एप्पल्स, एप्पल्स के नंबर लिखेंगे। देयर इज अ 4, 2। यस, आई ईट डैश एप्पल्स, आई ईट 2, आई ईट डैश एप्पल्स, इट्स 4 एप्पल्स। कम टू द पेज नंबर नेक्स्ट, इट्स 32। Now see, again it's a describing word. This is a house. ये house है. It has a brown roof. इसकी छत जो है वो कौन सी है? Brown. Brown is a describing word. जो बता रहा है कि जो इस house की roof है, छत है, this is a brown. The house has a blue window. House की कौन सी window है? Blue. So a blue is a describing word. टोनू लिव्स इन दिस हाउस, टोनू इस घर में
रहता है। द स्मॉल डोर ऑफ द हाउस इज क्लोज्ड। स्मॉल, जो छोटा डोर है घर का वो बंद है, क्लोज्ड है। कम टू द नेक्स्ट, दीज आर द ऑप्शंस, यू हैव टू चूज द प्रॉपर ऑप्शन एंड फिल इन द ब्लैंक्स। दिस इज अ स्कूल बस, ये स्कूल बस है। इट इज अ डैश बस, ये कौन सी बस है? इट इज अ ग्रीन बस। इट हैज डैश डोर, कितने डोर हैं इसके? टू। इट हैज डैश व्हील्स, व्हील्स कितने हैं इसके? टायर कितने हैं? इट्स फोर। यस, कम टू द नेक्स्ट, इट्स अ मैचिंग। मैच द वर्ड इन द कॉलम ए विद द वर्ड्स इन कॉलम बी। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विद द पेयर ऑफ वर्ड्स फ्रॉम द टू कॉलम्स। पहले हमने फर्स्ट मैचिंग करनी है, देन इसी में से करेक्ट आंसर उठा करके हम ये सेंटेंसेस को कंप्लीट करेंगे। जैसे ब्लू स्काई, स्काई कैसा है? ब्लू। कोल्ड मिल्क, मिल्क है कोल्ड। बिग एलिफेंट, जो एलिफेंट है सब बिग। फन, फनी क्लोन। यस, बर्ड्स फ्लाई इन द, बर्ड्स कहाँ पे फ्लाई करते हैं? द बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। फादर ड्रिंक्स कोल्ड मिल्क, सॉरी इट्स अ ब्लू आल्सो, एट देयर ब्लू। ब्लू स्काई, ब्लू स्काई, कोल्ड मिल्क। देयर इज अ डैश एट द ज़ू, देयर इज अ बिग एलिफेंट, देयर इज अ बिग एलिफेंट एट द ज़ू। ही लाफ एट द फनी क्लोन, डबल एन वाई फनी क्लोन, ओ डब्ल्यू एन क्लोन। So student, this is the your chapter number 12 and 13. Complete your book work on your English grammar book. Thank you. Have a nice day.